इसलिए तुम्हारे भाई ने दिन रात एक करके रात भर जाग कर ऐसी भी प्रदुमन जैसे रिसर्च करके फाइनली ला लिया है आप लोगों के लिए फाइव न्यू फीचर्स इन जनशन इम्पैक्ट फोर पॉइंट जीरो अपडेट और हिंदी में तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक के देखोगे और एकमात्र हिंदी जनशन इम्पैक्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे तो चलिए शुरू करते हैं इस फीचर आप सभी को पता ही है कि न्यू रीजन फाउंटेन आ रहा है एंड ये रीजन बाकी सब रीजन से इसलिए यूनिक है क्योंकि अब हम अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगे जो की आपको बट ये नहीं पता होगा कि हम किसी भी कैरेक्टर को अंडर वाटर स्विम करने ले जा सकते हैं और इसमें कोई ऑक्सीजन वॉक्सीजन बार नहीं है जो कि हमें पहले लगता था जिससे तुम्हें बार बार ऊपर आने की कोई नीड नहीं है Second. ये क्या है ये स्प्रिंट बार है जिससे आपको इन गेम एक्वा मैन जैसी फीलिंग होने वाली है और ये जो रिंग्स है ना ये है स्प्रिंट बूस्ट करने के लिए स्प्रिंट बार एंड होने से आप मरोगे भी नहीं कुछ इस तरीके से आपकी स्पीड कम हो जाएगी और अंडर वाटर में आपको बहुत सारे न्यू क्रिएचर्स भी मिलेंगे जो कि गेम एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए है सॉरी लेकिन जल परिया नहीं मिलेगी तो डोंट एक्सपेक्ट इट हाँ, कुछ ऐसी जगह भी है जो अंडर वाटर जिसमें तुम ग्राउंड लेवल पर खड़े भी हो पाओगे ये अच्छा हुआ वरना साला स्विम करते करते दिमाग की दही हो जाती थी और अगर न्यू बॉस की बात करूं तो यहाँ कुछ मैकेनिकल टाइप बॉस है उस टाइप का जिसका नाम है आइस विंड स्वीट आपको एक न्यू मैकेनिक को मिल सकता है जो कि आपने पहले नहीं देखा और साथ ही साथ एक स्पीठ पे ज्वालामुखी जैसे लेकर घूमने वाला एक बॉस मिलने वाला है जिसका नाम है एम्परेयर ऑफ फायर एंड आयरन पापरे नाम में ही भाई जी फारदीप <laughs> बट ये जल परियों के देश में वलकैनो क्या कर रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है खैर आने के बाद ही पता चलेगा कि जल परियों के देश में ये दानव कहाँ से आ गया तो so अब आते हैं हमारे सेकेंड फीचर्स की तरफ जो है फोर न्यू कैरेक्टर्स तो न्यू कैरेक्टर में सबसे पहले आने वाला है लेनी एक पायरो बो फाइव स्टार कैरेक्टर जो कि कुछ हद तक के मुझे गानयू जैसी लगी क्योंकि गानयू जैसे वो चार शॉर्ट मारते हैं ये भी दो चार शॉर्ट मारता है पहला वाला जो है वो नॉर्मल होता है लेकिन दूसरे वाले में ये ऊपर से एक तीर फेंकता है और तीर फेंकने के बाद एक बिल्ली पैदा हो जाती है

में जैसे आप ई स्किल दबा के होल्ड करके लोगों को, मा, एनिमीज को मार, मार एनिमीज़ को है, तो शायद ये हमेशा अपने टोपियों में बिल्ली लेकर घूमते है पता जैसे ये बर्स्ट यूज करेगी इसकी टोपी के अंदर एक बिल्ली आ जाएगी और इसके में आपको एनिमो डैमेज प्रोवाइड मिलेगा एक और फोर स्टार कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है यूजर होगा इसके पास एक छोटा सा पेगविन होगा और ये पेगविन के साथ ही खेलेगा जैसे पहले बिल्ली के साथ खेल रहे थे अभी पेगविन के साथ खेल रहे हैं पता नहीं ये धीरे धीरे भाई जूई बनाने वाले है लगता है जीशिन इंपैक्ट कौन है कहा से आते हैं सो एक्चुअली मेन रीजन इसका ये है कि ये एक बेल यूजर है और गाइस जिसके पास भी बेल है आपसे चिंता मत करो कि मेरे को बेल क्यों मिल रही है आप इसको चिपका दीजिए ठीक है और इसकी सबसे परफेक्ट बात मुझे ये लगी जब आप वंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करोगे या कुछ करोगे तो आप इसको अगर पार्टी मेंबर में, में रखोगे तो आपको थर्टी जो है आपका स्प्रिंट बार जो मैंने पहले बताया था वो इंक्रीज हो जाएगा तो अगर कैरेक्टर बैनर की बात करो तो फर्स्ट फेज में आने वाले लेने और येलन एंड सेकेंड फेज में आने वाले है चाइल्ड एंड चौंगली फाइनली चांगली आ रहा है गाइस मुझे तो so, इन चारों कैरेक्टर्स फाइव स्टार के बारे में पहली प्रायोरिटी कौन सी है किसे पुल करना चाहिए हु शुड यू पुल और और नॉट इसके बारे में भी एक और वीडियो आने वाला है जल्दी कल या फिर परसों आ जाएगा सो so, उस वीडियो को देखने के लिए कम से कम अभी तो सब्सक्राइब कर दो आपने अभी तक के अगर देख लिया है इस वीडियो को तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है लाइक नहीं किया ना आपने अरे कैसे कंजूसी कर रहे हो क्या गुंडा बनेगा अब बात करते हैं हमारे थर्ड फीचर्स की जो है इवेंट फीचर्स तो सबसे बड़ा वाला इवेंट आने वाला है जिसका नाम है मेगा मिका मिली ये क्या बवासीर नाम है यार मुंह से निकल ही नहीं रहा इससे अच्छा तो रोज मेरी मारलो रख लेते कम से कम से से मुंह तो निकलता इस इवेंट में आपको कुछ अंडर वाटर टाइम चैलेंजेस करना होगा कुछ कॉम्बैक्ट होंगे और लास्ट में ये निंजा वाला निंजा दिया जाएगा आपको जिससे आप तुछुक तुछुक मारते रहना बेस्ट बेनिफिट न्यू प्लेयर्स को है बिकॉज इसमें आपको जैनशीन का भगवान मिलने वाला है जिसका नाम है हमारा बेनेट एंड गेम के लिए कोई काम का नहीं है बिकॉज हम नुबड़ो के पास ऑलरेडी बेनेट सी फाइव है और कभी कबार चूल मची रहती है कि बेनेट सी सिक्स कब करे क्या बोला नेक्स्ट इवेंट का नाम है रैली रिकॉर्ड इसमें कुछ आपको फ्लावर्स कलेक्ट करना पड़ेगा वही यहाँ घूम घूम के बस आपका दिमाग खराब करवाया जाएगा और कुछ नहीं होगा नेक्स्ट सेल्फी का जमाना चल रहा हो और फोटो इवेंट ना आए जेंशन में ये तो कतई हो नहीं सकता तो जो फोटो क्लिक करो जगह पहचानो और फ्री के प्रीमोस पाओ बस यही चलते रहता है हमारे जेंशन में उसके बाद आता है हमारे लिए एंड प्लेयर इवेंट जो होता है वेथ टॉप डेट जिसमें हम करेंगे एनिमीज की धुलाई आपका दादा का भाई का सबका बदला ले तो और भाई ऐसा फ्री का लेने भी मिलने वाला है अगर आप एडवेंचर रैंक 25 से ऊपर हुए तो तो फोर्थ फोर्थ फीचर्स की बात करते हैं फीचर्स है इक्विपमेंट इक्विपमेंट तो काफी सारे न्यू आए हैं जैसे कि हमारा न्यू आर्टिफेट्स आया न्यू आर्टिफेट्स के बारे में हमें नहीं बताया गया है कि टू पीस और फोर पीस क्या होने वाला जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक के तो आया नहीं है शायद कल आ सकता है या फिर वीडियो डालने अपलोड करने के बाद आ जाए तो आप देख लेना और साथ ही साथ जो है न्यू पांच क्राफ्टेबल वेपन आने वाले पुराने क्राफ्टेबल वेपन क्राफ्ट कर करके थक गए तो नए बंदों के लिए काफी बढ़िया हो सकता है साथ ही साथ बैटल पास में नए आ रहे हैं और याद रखना कि पुराने पुराने भी भी ऑलरेडी है रहने वाले है और कुछ नए वेपन ऐड होने वाले और साथ ही साथ एक और न्यू वेपन दिया है जो कि आपको मछलियां पकड़ के जैसे कि आपने कैच पकड़ा था वैसे ही सेम जो है ये पाइप वाला डिजाइन वाला एक हथियार है फिश पकड़कर जो है आप इसको ले सकते हो सो फिफ्थ एंड लास्ट फीचर जो कि गेम को बेटर एंड ईजी बनाने के लिए लाए गए हैं उसमें से सबसे पहला है एम्बलेम एम्ब्लम जो है आपको स्ट्रॉन्ग बॉक्स में मिलने वाला है क्योंकि आपको पता है एम्बलेम भाई बहुत ही बेकार आर्टिफेट्स है मैं भी डेढ़ साल से फार्म कर रहा हूँ अभी तक की मेरी रेडन बिल्ड नहीं हुई है तो यह एक फायदा आपका हो सकता है किस्मत अगर रही तो आप स्ट्रॉन्ग बॉक्स से ईजिली फार्म कर दोगे बट सबसे ज्यादा बेनिफिट यह है कि जब आप एम्ब्लम फार्म करने जाते हो डोमेन में और आपको शिमिनावा आर्टिफ्स मिलता है तो इस दर्द से आप छुटकारा पा सकते हो सेकेंड जो है इन्होंने फोर स्टार आर्टिफिक्स डिस्ट्रॉय करने के लिए एक इजीली बटन लाया हुआ है मुझे पता नहीं फोर स्टार आर्टिफेट्स कौन डिस्ट्राई करता है बट जो भी हम लोग आर्टिफेट्स को जो है फीड करते बट जो भी है इन्होंने एक नया लाया इसको मेरे को उतना खास समझा नहीं बट है ज़रूर और हाँ अगर आप एक टी लवर हो तो टी लवर के लिए जो है स्पेक्टेड मोड आ चुका है यानी डोएल स्पेक्टेड कर सकते तो अगर आप कोई टूर्नामेंट वर्नामेंट में खेलते हो तो शायद ये उस टाइप का ही कुछ है आप पहले हम लोग स्पेक्टेड नहीं कर पाते थे इसलिए हम मैंने भी टूर्नामेंट रखने का सोचा था अब नहीं हो पा रहा था करके हमने टूर्नामेंट कैंसिल किए तो गाइज एक नया एक और चीज है अगर आप भी चाहते हो कि नई तो तो लगा है, वो है पार्टी का एनिमेशन आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पार्टी सेटअप हम लोग कर पाएंगे विथ एनिमेशन जब भी वो एंटर होंगे और साथ ही साथ बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज कर पाएंगे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट वो है भाई मैप का मल्टीलेयर बनाना क्योंकि अभी आपको पता है मैं भी कुछ दिनों से जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो एक्सप्लोर में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपका जो चेस्ट है वो ऊपर है या नीचे है, या उसके भी नीचे अंडरग्राउंड है तो इन्होंने एक सिस्टम लाया जिसमें आप मल्टी लेयर कर सकते हो अगर आपको नीचे में कुछ अंडरग्राउंड अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा जैसे कि आपको पता है फ़ाउंटेन आने वाला है तो ये काफ़ी काफ़ी ज़रूरत होगा क्योंकि फ़ाउंटेन में आपको अंडर वाटर काम करना है तो उसके लिए ये बेटर बनाया है यही था हमारा वीडियो गाइस आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि 4.0 में कौन कौन से अपडेट आने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी